आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में शहर शहर खबर खबर। तो वही कांग्रेस नेता सिद्धरमैया आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। राज्य के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया आज अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले हैं। बता दें कि कर्नाटक में 13 मई को विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसमें कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद से ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की कवायद चली और सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। और डीके कुमार को डिप्टी सीएम की सीट पर बैठाया गया। इसके अलावा 28 लोगों को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। तो आपको बता दें, मंत्रिमंडल में 28 लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वही आज सिद्धरमैया का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर दे दिया गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज सिद्धरमैया। आपको बता दें कर्नाटक के डिप्टी सीएम बनेंगे शिव कुमार। तो वहीं कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है वो शिव कुमार रहेंगे। आपको बता दें आज सिद्धरमैया का शपथ ग्रहण होने है। आपको बता दें कांग्रेस नेता सिद्धरमैया आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। राज्य के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया आज अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले हैं। बता दें कि कर्नाटक में 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत के रूप में साबित हुई थी। वहीं इसके बाद से कर्नाटक में मुख्यमंत्री के लिए कवायद शुरू हो गई थी। आपको बता दें जिसके बाद अब सिद्धरमैया को एक बार फिर से कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं आज सिद्धरमैया का शपथ ग्रहण समारोह भी है। वहीं कर्नाटक में आपको बता दें कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की कवायद चल रही थी और सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। वहीं बहुत से नाम देखने को मिल रहे थे कर्नाटक में मुख्यमंत्री के लिए। वहीं इस बीच सिद्धरमैया को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दी जाएगी। बता दें आपको कर्नाटक में एक बार फिर से सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर शिव कुमार का नाम सामने आया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज सिद्धरमैया। इसके अलावा 28 लोगों को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें सिद्धरमैया का ये दूसरा कार्यकाल है और एक बार फिर से कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम के रूप में सिद्धरमैया को चुना है। वहीं एक बार फिर से सिद्धरमैया कर्नाटक की बागडोर संभालेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम बनेंगे शिव कुमार दूसरी तरफ। वहीं मंत्रिमंडल में 28 मंत्री शामिल हो सकते हैं। वहीं सिद्धरमैया का आज शपथ ग्रहण है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक बार फिर से सिद्धरमैया शपथ लेंगे। वही इस बार उनके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ नए मंत्री जुड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें वहीं अब डिप्टी सीएम के रूप में कुमार को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाया गया। आपको बता दें इसके अलावा 28 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं मंत्रिमंडल में भी एक फेर बदल देखने को मिलेगा। आपको बता दें सिद्धरमैया का आज शपथ ग्रहण समारोह है। वहीं इस अवसर पर सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। वहीं इस कार्यकाल में क्या कुछ अलग होगा, ये देखने वाली बात होगी सिद्धरमैया के। आपको बता दें दूसरी बार सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री चुना गया है कर्नाटक का। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सिद्धरमैया। वहीं इस बार उनके कार्यकाल में क्या कुछ अलग होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या कुछ बड़े फैसले लेंगे सिद्धरमैया अपने इस नए कार्यकाल में कर्नाटक के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, इस बार
सिद्धरमैया एक बार फिर से मुख्यमंत्री के लिए सब शपथ लेंगे तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार के उनके कार्यकाल में? जी ईसा, अगर बात की जाए तो इस शपथ ग्रहण समारोह में साफ तौर से अगर देखा जाए तो शपथ के साथ साथ विपक्षी एकता का एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो कर्नाटक सरकार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं नतीजों के 7 दिन के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। आपको बता दें कि डी शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच जो सीएम पद की कुर्सी थी उसकी लेकर कहीं ना कहीं कसमकस देखने को मिली। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के डैमेज कंट्रोल के बाद एक बार फिर सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि शिवकुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और साथ ही साथ उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। ईसा अगर बात की जाए तो 12:30 बजे से ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और थवर चंद्र गहलोत स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम ठीक 30 मिनट बाद से शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं जहां से ये दोनों नेता कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अगर बात करें तो एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और 8 मंत्रियों के साथ ये कैबिनेट की पहली कैबिनेट का गठन होगा। साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो सफलता कांग्रेस को मिली है उसमें राहुल गांधी का एक बड़ा योगदान है। जी तो विभांशु, इस बार कर्नाटक के चुनाव में कोई नया चेहरा देखने को नहीं मिला मुख्यमंत्री के तौर पर। एक बार फिर से सिद्धरमैया को ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया है, तो मतलब क्या कुछ वजह रही इसकी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस बार का अगर देखें चुनाव के बाद जो कैबिनेट के लिए मंत्रियों का नामों का ऐलान हुआ है उसमें साफ तौर से अगर देखें ईसा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात करें तो एक बार फिर डी शिव कुमार के हाथ में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का जिम्मा दिया गया है। आपको बताएं कि ये सिद्धरमैया और डी कुमार दोनों सीएम कुर्सी के लिए अड़े थे मगर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा 2024 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए डी शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मा दी गई और उनके लिए चुनौती होगा कि 2024 में इस प्रदर्शन को फिर से दोहरा सके। आपको बता दें अगर बात की जाए तो इससे आज के इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम नेताओं को भी कहीं ना कहीं आमंत्रित किया गया है। आपको बताएं कि कांग्रेस की कौन कौन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जो शामिल हो सकते हैं? और साथ ही इसके विपक्ष के ऐसे कौन से नेता है जो शामिल हो सकते हैं? आप जी ईसा, अगर बात की जाए तो साफ तौर से अगर एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि विपक्ष की एकता की तस्वीर आज नजर आ सकती है कर्नाटक के अंदर में। अगर बात की जाए तो तमाम प्रदेशों से अलग अलग नेताओं को न्योता दिया गया है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से RLD चीफ जयंत चौधरी को भी न्योता दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे राज्यों जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाया गया है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुलाया गया है। ऐसे तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया है। अगर बात की जाए तो मंच पर देखें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका कर्नाटक उनका पृष्ठभूमि से आते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके पुत्र भी आज कैबिनेट की मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आज के शपथ ग्रहण समारोह के बहाने कांग्रेस कहीं ना कहीं 2024 की एक चुनावी समीकरण की तैयारी करेगी। जी जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विभांशु। के डिप्टी सीएम अब बनेंगे शिव कुमार, साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं 28 मंत्री। आपको बता दें सिद्धरमैया का आज शपथ ग्रहण होना है।
बता दें ये दूसरा कार्यकाल है सिद्धरमैया का कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर। वही निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद से बीजेपी सपा और बसपा समीक्षा बैठक कर रही है। इस क्रम में अब कांग्रेस भी समीक्षा बैठक करने जा रही है। बता दें कि 22 मई को यूपी कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी। 22 मई को प्रदेश भर के कई पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन समीक्षा होगी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी समेत सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें 22 मई को यूपी में कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक होनी है। वही इस समीक्षा बैठक में जो कांग्रेस है वो निकाय चुनाव में जो उन्हें हार मिली है उसको लेकर मंथन करेगी, साथ ही मिशन 2024 को लेकर भी वो समीक्षा बैठक कर सकती है। आपको बता दें 22 मई को होगी यूपी में कांग्रेस की ये समीक्षा बैठक। तो आपको बता दें आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ये समीक्षा बैठक कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, आगामी लोकसभा के लिए कांग्रेस ये समीक्षा बैठक कर रही है, तो क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस बैठक में? जी शाह, आपको बता दें कि कांग्रेस अब कर्नाटक के चुनाव में जीत करने के बाद अब वो लोकसभा चुनाव यूपी के में समीक्षा बैठक करने जा रही है। जी हां, 22 मई को वो अब समीक्षा बैठक करेगी और इसकी पूरी रणनीति वो तैयार करेगी कि किस तरह से लोकसभा को जो 2024 का चुनाव है उसे फतह हासिल कर सके, क्योंकि जो कर्नाटक में उसे जीत मिली है उसे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार है पूरी तरह से, जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से उत्साहित है और उसे लेके अब समीक्षा बैठक करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के यूपी के जो अध्यक्ष है ब्रजलाल खाबरी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो समीक्षा बैठक होगा उसमें पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी और वहीं उसमें नए कार्यकारिणी के लिए भी समीक्षा बैठक होगा और उस पर बातचीत होगा। ये समीक्षा बैठक खास तौर पर वही होगा जो निकाय चुनाव में जहाँ जहाँ पे जो कांग्रेस को जो जहाँ पे हार मिली है, यहाँ जहाँ पे जीत मिली है, वही देखा जाएगा कि कहाँ पे जो कांग्रेस सरकार मजबूत है और कहाँ पे उसे और काम करना है। तो ऐसी जो तमाम जो समीक्षा बैठक होगा उसमें पूरी तरह से इसमें बात किया जाएगा, इसमें नए कार्यकारी की बैठक होगी, नए कार्यकारी के चुनाव किया जाएगा और ये मजबूती से इस पे निकाय चुनाव के लिए इस पे कार्य किया जाएगा। तो वही आपको बता दें कि बैठक में जो निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है उसको लेकर भी कुछ मंथन होगा। जी निशा, आपको बता दें कि वही निकाय चुनाव में जो कांग्रेस की हार मिली है उसमें अपना कई हद तक किसी और कई राज्यों में जो अपने उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अपनी खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस, तो उसको लेकर कई जगह यही बात सब मंथन चलेगा क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है और वही कर्नाटक में जो जीत मिली है उससे लेकर जो कांग्रेस सरकार है कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित है और इसी को और मजबूत करने के लिए और उत्तर प्रदेश में अपनी फिर से जमीन को मजबूत करने के लिए वह समीक्षा बैठक करने जा रही है, क्योंकि ये लोग सभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है और सभी पार्टी जोर तौर से इसे तैयारी कर रही है। यहाँ तक बीजेपी भी अपनी जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, सपा भी चला रही है, आरएलडी भी चला रही है, आम आदमी पार्टी भी अपनी जनता संपर्क कर रही है। तो ऐसे तमाम जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है, लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी करने लगी है, क्योंकि जो निकाय चुनाव आया है उसको देखते हुए सभी पार्टी अलर्ट हो गई है, क्योंकि इस बार निकाय चुनाव में काफी हद तक परसेंटेज में चुनाव पड़ा है, तो इसके लेकर सभी पार्टी जनसंपर्क कर रही है, जनता के बीच जा रही है, अपनी जो भी उपलब्धियां है उसे गिना रही है। एक बार कांग्रेस को हार मिली है लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके मुस्लिम वोटर थे वो एक बार फिर से उनसे जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं इस चुनाव में। जी, आपको बता दें ईशा, क्योंकि इस बार जो नई कार्यकारिणी का जो मंथन होगा उस पर साफ तौर पे कहा जा रहा है, ब्रजलाल खाबरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर जातीय समीकरण पे भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके मुस्लिम वोटर जो है चाहे अन्य भी और जो जाति है छोटे जाति उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस इस बार कह रही है कि हम छोटे तबके को लोगों को या ये कहें किसान मजदूर जो है उनको भी हम
लाएंगे, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो मंथन होगा पूरी तरह से ये जो भाईचारे का होगा और किसानों के साथ होगा, छोटे तबकों के लोगों का होगा, सिर्फ मुस्लिम पक्षों के नहीं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अब देश से पिछड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन जो कर्नाटक में जीत मिली है कहीं ना कहीं उनका लग रहा है कि हम वापसी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूरी तरह से आपको बता दें जितने भी पार्टी हैं जैसे सपा पार्टी हो गए, चाहे आप ममता बनर्जी हो गए, उन्होंने भी अब हाथ मिलाने का ठान लिया है। ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को हराना है तो हमें पूरी तरह से एकजुट होना होगा, विपक्ष को एकजुट होकर हम बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि यही मुमकिन हो सकता है। इसलिए आपको बता दें कि पूरी पार्टी जो है अब कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गई है। जी सर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद सुहानी। चुनाव में हुई हार को लेकर भी मंथन कर सकते हैं, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस समीक्षा बैठक को रखा गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश समेत सभी प्रांतीय अध्यक्ष इसमें मौजूद भी रहेंगे, साथ ही आगामी लोकसभा को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी इस समीक्षा बैठक में। तो वही अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कांग्रेस की समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा और आगामी चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारियां होंगी इस समीक्षा बैठक में, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस प्रदेश समेत सभी प्रांतीय इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने फैसला डाल दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 जून की अगली तारीख तय की है। मुख्तार अंसारी पर साल 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। वहीं 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में गैंग चार्ट बना था और उस चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड भी शामिल हुआ था। बता दें कि हत्या के इसी मामले में आज फैसला आएगा। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को दो मामलों में पहले ही 10-10 साल की सजा हो चुकी है। तो आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट 13 जून को इस मामले में फैसला सुनाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में 13 जुलाई को फैसला आ सकता है। कपिल देव सिंह हत्या मामले में ये फैसला टल गया था। आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट 13 जून को फैसला सुना सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, 13 जून को इस पर फैसला आना है, तो क्या कुछ फैसला दे सकती है कोर्ट? साल 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ था, उसको लेकर के जिस तरीके से आज सुनवाई होनी थी लेकिन आज सुनवाई टल गई है और इसको लेकर के अब 13 जून को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामलों को लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है, एक के बाद एक सुनवाई चल रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से एक सुनवाई हुई थी वाराणसी के मामले पर, वाराणसी मामले में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, उस दौरान जो सुनवाई हुई थी बहस पूरी हो गई थी, गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए थे, लेकिन जो फैसला था वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद आज कपिल की जो हत्या के मामले में आज सुनवाई होनी थी लेकिन वो सुनवाई आज टल गई है और इसको लेकर के अब जो 13 जून को जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई पर भी लोगों की निगाह इसलिए बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन कार्रवाइयों के बीच मुख्तार अंसारी भी लोगों के बीच एक काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर भी लगातार कई मामले दर्ज हैं, फिर चाहे वो गैंगस्टर के हों या फिर भूमाफियाओं से संबंधित मामले हों या फिर जो अन्य मामले हैं, उन सभी मामलों को लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है और इन्हीं मामलों के बीच आज एक सुनवाई जो होनी थी वो भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई होनी थी। फिलहाल आज जिस तरीके से सुनवाई टली है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो 13 जून को सुनवाई होगी उस सुनवाई के दौरान एक अहम फैसला भी सुनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ इसमें जो सुप्रीम जो 13 जून को फैसला आना है उसमें क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, क्या उम्र कैद भी हो सकती है मुख्तार अंसारी को?
देखिए उम्र कैद कहना ये अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो फैसला है वो फैसला कोर्ट का के जज यानी कि न्यायाधीश सुनाएंगे। फिलहाल इस मामले पे कयास कई लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको ने देखा होगा इससे कई जो पहला एक मामला था हत्या से जुड़ा हुआ, उसमें 10 साल की सजा जो सजा सुनाई गई और उसके साथ 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन जो कल एक वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, क्योंकि बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिरा भी जो हुई थी वो भी बहस भी पूरी हो गई। लेकिन जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है अभी उसमें भी किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। और इसके साथ ही जो कई और मामले हैं, यानी कि जो एक गैंगस्टर का जो मामला है कपिल वाला, 2009 में हत्या के बाद जो गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था अभी इसमें भी किसी तरह का फैसला नहीं आया। इस मामले को लेकर के आज जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। इसके साथ ही अगर हम आपको थोड़ा सा मुख्तार के बेटों की तरफ भी ले जाएं तो बेटे के मामले में भी जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए थे कल, इस मामले में जैसे 9 लोगों की एक पेशी होनी थी आचार संहिता के दौरान जिस तरीके से न्यायिक मजिस्ट्रेट में, उसमें भी उमर जो है उमर फरार है, उमर कल पेश नहीं हुआ था, जिसको लेकर के उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्तार के साथ साथ जो उसका परिवार है उसकी भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जो इसकी पत्नी है अफसा अंसारी वो भी लगातार फरार है। फिलहाल सभी की निगाह कोर्ट पर है, क्योंकि मुख्तार भी एक बड़े माफिया के रूप में है, पूर्वांचल का बाहुबली भी माना जाता है और इसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, जिसको लेकर के कहा यह भी जा रहा था कि इसके खिलाफ भी कोई गवाह ही देने के लिए सामने नहीं आता था। लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से 13 जून को कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इस पर कहा ये कयास कई हैं, लेकिन फैसला जज को सुनाना है। जज किस तरीके से इस मामले को देखते हैं और क्या कुछ इसमें सजा सुनाई जाती है या फिर दोष मुक्त किए जाते हैं। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ सजा मिल सकती है ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। जून को सजा मिलेगी। वहीं लखनऊ में आलमबाग के सिंध कॉन्वेंट स्कूल से 7 साल की मासूम की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। बता दें कि स्कूल प्रशासन पर बच्ची को पीटने का आरोप लगा है। स्कूल में हुई पिटाई से मासूम बच्ची सदमे में चली गई। वहीं पिटाई की दहशत से मासूम ने बोलना तक छोड़ दिया। मासूम की हालत से परेशान परिजनों ने कृष्णनगर पुलिस को मामले की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने NCR दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया। तो आपको बता दे 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने पुलिस को इसकी तहरीर भी दी है। वहीं बच्ची इतनी डर चुकी है पिटाई से कि वह अब बोल भी नहीं पा रही है। आपको बता दें मासूम की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं स्कूल में हुई पिटाई से मासूम बच्ची सदमे में चली गई है। तो आपको बता दें स्कूल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची को पीटा गया है। तो आपको बता दें आलमबाग के सिंध कॉन्वेंट स्कूल से 7 साल की मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। वहीं स्कूल प्रशासन पर इस बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा। स्कूल में हुई पिटाई से मासूम बच्ची सदमे में चली गई है। पिटाई की दहशत से मासूम ने बोलना तक छोड़ दिया। वहीं मासूम की हालत से परेशान परिजनों ने कृष्णनगर पालिका को मामले की तहरीर दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, स्कूल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पिटाई का आरोप है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें जो प्राइवेट संस्थान है यानी कि प्राइवेट स्कूल जो है, वहाँ पर शुरुआत में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको केवल अभी स्कूल में भेजा जाता है कि वो बैठना सीखें, पढ़ाई की तरफ फोकस करें, लेकिन जब शुरुआत में ही उनको एक पिटाई की जाएगी या फिर उनको डराया जाएगा तो फिर आके वो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, उनका ब्रेन वॉश किस तरीके से होगा। क्योंकि इसी तरह की जो ये घटना सामने आई है प्राइवेट स्कूल की, जहां पर 7 साल की मासूम वो अभी कुछ जानती ही नहीं है कि पढ़ाई के विषय पे होता क्या है। फिलहाल जिस तरीके से स्कूल में भेजा जाता है अभी तो बच्चे बैठना ही सीखते हैं, लेकिन शुरुआत में ही उनके अंदर जब डर बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है बच्चे सहम जाते हैं, वो परिवार से भी दूर होने लगते हैं। क्योंकि कहा जाता है शुरुआत में बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाता है, लाड प्यार से पढ़ाया जाता है, उनकी पिटाई नहीं की जाती है।
लेकिन जब शुरुआत में ही उनको टॉर्चर किया जाएगा या फिर उनके ऊपर एक दबाव डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चे उन चीज़ों से दूर भागते हैं। फिलहाल इस तरीके की जो घटना आई है इस मामले में परिवार भी काफ़ी सदमे में है क्योंकि उनका बच्चा पूरी तरीके से सहम गया है इस पिटाई से और इस पिटाई के बाद बच्चा जो है स्कूल जाने से भी भाग रहा है। तो इसको लेकर के जिस तरीके से परिजनों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है लेकिन पुलिस ने अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, बस एनसीआर दर्ज किया है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपको बता दें स्कूल से आए दिन ऐसी लापरवाहियों की खबरें आती रहती है, आए दिन स्कूल से ऐसी लापरवाहियां होती रहती है लेकिन प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठाता। की बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से बीएसए हैं, बीएसए को लगातार जो है निरीक्षण करना चाहिए, संस्थानों में पहुंचना चाहिए और बच्चों से बातचीत करनी चाहिए लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचता। जब शिकायतें पहुंचती हैं तब केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है, उनको नोटिस दे दी जाती है, नोटिस के बाद उसका फॉलोअप नहीं लिया जाता है कि आखिर उस नोटिस के बाद बच्चे की क्या स्थिति है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस तरीके से अगर बच्चे के परिजन कोई शिकायत करते हैं तो जाहिर सी बात है शिकायत के बाद कार्रवाई जरूर होती है लेकिन उस बच्चे को इतना प्रताड़ित किया जाता है तो बच्चा स्कूल से या तो छोड़ देता है या फिर पढ़ाई अपनी बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही बीएसए की भी है कि बीएसए को समय समय पर उसको जो है देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और अपडेट लेते रहना चाहिए। क्योंकि जैसा कि अभी आपको अभी हाल ही के दिनों का एक केस हम बताएंगे सीएमएस का, जो एक टॉपर था, जो टॉपर हुआ था, टॉपर के साथ जिस तरीके से टॉपर की जो है मिसेस गांधी ने पिटाई की थी, इस मामले को लेकर के उसके परिजनों ने एक वीडियो भी वायरल किया था। वीडियो वायरल करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी और इन संस्थानों पर एक्शन लेने की बात कही गई थी। उसके बाद ये मासूम की घटना जो सामने आई, इसके साथ ही कई और भी स्कूलों से जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं लेकिन इन सभी का संज्ञान नहीं लिया जाता। जब मामला काफी सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के माध्यम से जब हाईलाइट होता है तो केवल उसमें खाना पूर्ति करने के लिए मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर दिया जाता है, नोटिस दे दी जाती है, उनसे जवाब तलब कर लिया जाता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिलहाल इस मामले में पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस भी केवल खाना पूर्ति करके एनसीआर दर्ज करके अपना पल्ला झाड़ लेती है क्योंकि पुलिस कहती है कि इस मामले में जाँच की जाएगी, जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई किस तरह की होती है यह हमें और आपको सभी को मालूम है। फिलहाल कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से संस्थानों के द्वारा बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है क्योंकि सरकार भी कहती है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए ना कि उनको शिक्षा के तले दबाया जाए, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए क्योंकि जब मन फ्रेश होगा तभी बच्चा जो है सही से पढ़ाई करेगा लेकिन जब मन दबाव में होगा तो फिर बच्चा पढ़ाई किस तरीके से करेगा। फिलहाल इन सभी चीज़ों को लेकर के जो सरकार को भी काफ़ी चिंतित होना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी समय समय पर निरीक्षण भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वही अब देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। धन्यवाद कलीम इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पिटाई का मामला सामने आया है, पिटाई से सदमे में है मासूम बच्ची। वहीं परिजनों ने पुलिस को तहरीर भी दी है लेकिन अभी कुछ खास कार्रवाई पुलिस की ओर से दिखाई नहीं दे रही स्कूल के ऊपर। वही राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े रसद विभाग में तैनात आदर्श कुमार सिंह की पत्नी अनामिका की बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी, पति के आने पर घटना की जानकारी हुई। वहीं परिजन उन्हें लहूलुहान हालत में सहारा हॉस्पिटल लेकर आए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की माने तो छोटा भरवारा गांव स्थित अर्बन स्कूल के पास एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों और हत्यारों के विषय में पता लगाया जा रहा है। वहीं घर में घुसकर महिला की हत्या की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर क्षेत्रीय लोग एकत्र हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े हत्या से लोग सकते में हैं। वहीं घटना की सूचना पर चिनहट गोमती नगर विस्तार और बीबीडी थाना पुलिस घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो आपको बता दे घटना से पूरा इलाका दहशत में है। मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था निवासी, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कलीम, घर में घुसकर एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई, क्या है ये पूरा मामला?
देखिए जिस तरीके से कल जो है महिला की दिन दहाड़े घर में घुसकर गला रेतकर हत्या हुई है, तो इस हत्या के बाद से लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि पुलिस क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहती है और समय समय पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से महिला की गला रेतकर हत्या हुई है तो इसमें पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठा है, क्योंकि हत्या करने के बाद जो बदमाश है वो बड़ी आसानी से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने इस मामले में लगातार जो सीसीटीवी की बात की जाए सीसीटीवी की मदद ले रही है, लेकिन अभी तक उस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि हत्या करने के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि घर की तस्वीर देखी गई, क्या लूटपाट के दौरान जो विरोध हुआ क्या उस विरोध में उसकी हत्या की गई, या फिर जो घर के अंदर जिस तरीके से महिला का खून पड़ा हुआ था और घर की हालत थी उसको लेकर के कई कयास हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी घटनाओं से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से हत्या हुई है जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हत्या के विषय पर खास जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बदमाश घर के अंदर घुसता है और घर के अंदर घटना को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें यह भी कहा जा सकता है कि इस घटना के पीछे कोई परिवार का परिचित ही है, क्योंकि घर के अंदर आना, क्योंकि वहीं घर में एक किराए पर लोग भी रहते हैं, लेकिन जिस समय घटना हुई उस समय कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था, जब वो किराएदार वापस घर लौटी है तब उसने लहूलुहान हालत में देखा, तब स्थानीय लोगों को सूचना देने के साथ साथ उस महिला के पति को भी इस मामले की जानकारी दी, तब कहीं इस मामले का संज्ञान आया। फिलहाल पुलिस जिस तरीके से मौके पर पहुंची है, पुलिस ने शव को तो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल जिस तरीके से जो घटना है, क्योंकि अगर हम इसी घटना से जुड़ी हुई एक और एक घटना पर अगर हम आपको ले जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे 3 साल पहले की घटना, क्योंकि ये वही एरिया है जहां पर डकैतों ने डकैती की वारदात को भी अंजाम दिया था, जो घटना आज तक नहीं खुल पाई है, क्योंकि वो भी एक इंजीनियर का मकान था, उस इंजीनियर के मकान में जो डकैती की वारदात हुई थी परिवार को बंधक बनाया गया था, वो भी परिवार भी डरा सहमा था, फिलहाल परिवार काफी समय तक फिर यहाँ से घर खाली करके चला गया, उसके बाद फिर आकर के बसा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी अगर माने तो उनका भी यही कहना है कि वहाँ पर पुलिस फिलहाल रात की बात की जाए तो रात को भी गश्त करती हुई नहीं नजर आती, या फिर दिन की बात की जाए तो दिन में भी ज्यादातर नजर नहीं आती, जिसका पूरा फायदा बदमाश भी उठाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बदमाशों पर लगाम लगाना है तो जाहिर सी बात है सड़कों पर उतरकर हमें पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी और तभी बदमाशों को ट्रैक किया जा सकता है। फिलहाल सीसीटीवी तो एक केवल जरिया बना है बदमाश तक पहुंचने का, लेकिन इसमें घटना में देखना यह होगा क्या बदमाश तक पुलिस पहुंच पाएगी या फिर ये भी जो बदमाश ये भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाएगा, इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन सवालों के जवाब अभी भी शून्य है, क्योंकि जो पुरानी घटना है डकैती वाली उसका उस मामले की हम बात करें तो वो भी मामला आज तक खुला नहीं है, वो भी पूरी घटना आज तक शून्य पड़ी हुई है, अधिकारी चेंज हो गए लेकिन घटना वही की वही पड़ी हुई है। फिलहाल जिस तरीके से घटनाओं की बात करें, क्योंकि रेलवे ट्रैक की बात करें, क्योंकि कहा जाता है कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद जो बदमाश है वो रेलवे ट्रैक का सहारा लेकर के बड़ी आसानी से निकलते हैं, लेकिन जो ये सभी दावे किए जाते हैं तो आखिर उन दावों पर अमल क्यों नहीं किया जाता, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस घटना को लेकर के भी लगातार कई संशय है, क्या पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाएगी, क्योंकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि इस घटना का जल्द खुलासा करेगी, लेकिन कब तक खुलासा करेगी इसका कोई जवाब नहीं है। भाई अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगी पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। वाला है ये परिवार जहां पे ये मामला हुआ है, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।